एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रेशर के बारे में। व्हाट इज प्रेशर? इसमें हम देखेंगे इसके डेफिनेशन, फार्मूला और इसके टाइप्स। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आके आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रेशर। तो प्रेशर होता है प्रति इकाई क्षेत्र में सतह पर, यानी कि ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया में जो बल लगता है। बल यानी कि इसमें फोर्स नहीं, इसमें थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? जो सरफेस पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, यानी कि जो इसमें 90 डिग्री पे जो स्ट्रट लगेगा जो फोर्स, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। इसके बारे में मेरा एक पहले वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा थ्रस्ट के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी किसी मतलब बॉडी के या किसी एरिया में सरफेस एरिया पे जो थ्रस्ट लगेगा, उसकी मात्रा को हम या अमाउंट को हम दबाव या तो अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं। इसका ये हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो इसे क्षेत्र के बल के अनुपात के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जहाँ पर बल कार्य कर रहा होता है, तो उस क्षेत्र के बल और उसके एरिया, क्षेत्र और उसके बल और उसके एरिया के अनुपात में इसको परिभाषित किया जाता है। यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट हम जो यूनिट में हम जो लेंगे, इसका जो इकाई हम लेंगे, जो जिस सिस्टम से नाप रहे हैं उसका हम वो ले लेंगे, यूनिट ले लेंगे। तो इसका हो गया आपका डेफिनेशन। अब इसका फार्मूला और इसका यूनिट, यूनिट भी हम इसमें फार्मूला इसका देखेंगे और इसका यूनिट। तो प्रेशर का जो फार्मूला है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि इसे बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपल आपको याद करने के लिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें फोर्स और थ्रस्ट एक ही होता है। फोर्स जनरल किसी भी एंगल में काम करता है, उसे कहते हैं फोर्स। और थ्रस्ट जो 90 डिग्री पे लगे, यानी कि किसी भी स्ट्रेट जो किसी बॉडी पे लगे, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। तो इसे ऐसा यूनिट में इसे पास्कल्स के रूप में मेजर किया जाता है। इसका नोटिफिकेशन इसका डिनोट करते हैं हम पी ए से। तो एक पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका एग्जांपल, जैसे हम किसी जैसे हम दीवार या कहीं भी हथौड़ी मारते हैं, तो अगर आपका पिन शार्प है, नोक अच्छी है, तो वो आसानी से चली जाएगी। अगर आपका पिन शार्प नहीं है, तो पिन टेढ़ी हो जाएगी लेकिन नहीं जाएगी। इसके भी और भी कई कई हैं, जैसे गुब्बारा, गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा कुछ देर फट जाता है, तो प्रेशर के कारण। और इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हम देख समझ सकते हैं। जैसे कि आपका हम किसी बड़े बीकर में हम एक छोटा सा ट्यूब डालेंगे, तो वो अपना ट्यूब में पानी अपना ऊपर चढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो ऊपर चढ़ जाता है ट्यूब में। तो इसके और भी आप उदाहरण देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर, तीसरा है डिफरेंशियल प्रेशर और चौथा है गेज प्रेशर। तो इसके बारे में हम एक करके बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल आपको इसमें कॉन्सेप्ट लीजिए, एग्ज़ाम में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। प्रेशर के बारे में ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।